देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरा दम दिखा रही हो, लेकिन इसके पीछे असलियत कुछ और ही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अस्पताल की हालत बदहाल अवस्था में चल रही है। सरकार के इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी कुशीनगर जिला अस्पताल की हालत बदहाल है। आपको बता दें कि कुशीनगर जिला अस्पताल में अभी भी कई सेवाएं बदहाल हैं। इस अस्पताल की सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। जिला अस्पताल की बदहाली की समस्या खुलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सरकारी अस्पताल की बदहाली की जमीनी हकीकत को जानने के लिए जब रियलिटी चेक की शुरुआत की गई, तो इमरजेंसी सेवा में एक महिला मरीज को फर्श पर लेटा देखा गया। इतना ही नहीं, कुशीनगर जिला अस्पताल में सेवा देने वाले डॉक्टर को भी इन मरीजों की बेहतर इलाज से कोई मतलब नहीं है। जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में जहां सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के ऑफिस हैं, लेकिन बावजूद इसके जिला अस्पताल में चल रहे इस अंधेर गर्दी पर किसी सक्षम अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही है। इसी के साथ जिला अस्पताल में सरेआम इससे सटे प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले दवाएं बेचते नजर आते हैं और अस्पताल की चार दीवारी को ही बाकायदा टेबल बनाकर दवाइयों का सारा हिसाब किताब करते हैं, लेकिन अस्पताल के किसी अधिकारी और कर्मचारी की नजर वहां नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है कि इस खेल में डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों की ही मिली भगत है। हालांकि इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनकी अनदेखी के कारण ही ये कारोबार फल फूल रहा है। कुशीनगर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज जहां दवाओं और संसाधनों के अभाव का रोना रो रहे हैं, तो वहीं सरकार दवाओं के साथ सभी संसाधनों के होने का दावा कर रही है। अस्पतालों में डॉक्टर के चैम्बरों के आसपास घूमते दलाल मरीजों को बहला फुसला कर उनकी पर्ची ले लेते हैं और मनचाहे मेडिकल स्टोरों पर ले जाकर दोगुने कीमत पर दवाएं दिलवाते हैं और मरीज उन दवाओं को खरीदने के लिए मजबूर होता है। जानकारी के मुताबिक सरकार के दावों और हकीकत के बीच यहाँ मरीज पिसने को मजबूर है, जिसका सीधा उदाहरण महिला वार्ड में लेटे मरीजों का बिना चादर के दिखना, बंद शौचालय और गंदगी है। वहीं अस्पताल प्रशासन दवाओं के साथ सभी संसाधनों के होने का दावा तो कर रही है, लेकिन अस्पतालों में ये सब दिख नहीं रहा। महिला मेरे यहाँ आती है, दवाएं नहीं मंगाई जाती, दवाएं सारी उपलब्ध है हम लोग के यहाँ। डिलीवरी करा करके मरीज को वार्ड में करा दिया जाता है, उसके बाद उस मरीज को खाना मिलता है तुरंत, सुबेरे जो है चाय नाश्ता, शाम को चाय नाश्ता मिलता है। छुट्टी होती है तो एम्बुलेंस उसके घर पहुँच जाती है। वो आधार कार्ड, खाता और टीका की फोटो कापी जब ले करके आती हैं तो उनको जो जन सुरक्षा योजना के तहत जो पैसा मिलता है वो दे दिया जाता है। उसके बाद की सेवा आशाएँ देती हैं। आशा लोग जाती हैं 42 दिन तक ले मरीज को और लाभार्थी को और बच्चे को, दोनों की देख रेख करती हूँ। गौरतलब है कि जिला अस्पताल के प्रसव महिला वार्ड की हालत कुछ ठीक थी, मगर बेहद जरूरी एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन का अस्पताल में ना होना दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशान करता है, जिस वजह से मरीज बाहर जाकर प्राइवेट अस्पतालों में सीटी स्कैन करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। हालांकि इस मामले में सीएमएस अधिकारी की माने तो व्यवस्थाएं तो सारी ठीक हैं, लेकिन ग्रामीण न्यूज के रियलिटी चेक में धरातल पर देखने को ये सब नहीं मिला, जबकि सीएमएस आपात स्थिति में निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन की बात कहते हैं, मगर असल हकीकत क्या है ये सबके सामने है। लगभग सारे कुछ सुधार लिया गया है, सफाई व्यवस्था, बाकी मरीजों का जो है डॉक्टरों की उपस्थिति, ये सब पहले से बहुत बेहतर है। सीटी स्कैन हमारे यहाँ लगाने जा रहा है, सीमेंस कंपनी वाले लगाने जा रहे हैं, जगह चिन्हित हो गया है और बहुत जल्दी ये लग जाएगा और लोगों को इसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा एक चर्चा शासन स्तर पर भी नहीं हुआ, MRI की व्यवस्था अभी किसी जिला अस्पताल में नहीं, मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा अभी शायद है। एम्बुलेंस हमारे पर्याप्त है, 108 102 सब पर्याप्त है। अस्पताल में बदहाली का आलम यह है कि अधिकतर मरीज रोगियों को क्रिटिकल केस में निपटाने के लिए गोरखपुर भेजने के अलावा इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। कुशीनगर से प्रमोद गौंड की रिपोर्ट, ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।